स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। ईडी ने आईएएस पूजा सिंगल की करीब 82.77 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। ईडी द्वारा अटैच की गई संपत्ति में पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और दो प्लांट शामिल है। मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने अटैच करने की कार्रवाई की है। गौरतलब है कि 18.06 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले का आरोप तत्कालीन खूंटी डीसी पूजा सिंगल पर है। मामले में 5 मई को ईडी ने पूजा सिंगल और उनसे जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें भारी मात्रा में नकद और अहम दस्तावेज मिले थे। ये बड़ी खबर आ रही है, निलंबित आईएएस पूजा सिंगल की संपत्ति अटैच हुई है। ईडी ने किया 82.77 करोड़ की संपत्ति अटैच। पल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को ईडी ने किया है अटैच। निलंबित आईएएस पूजा सिंगल की संपत्ति अटैच हुई है। ईडी ने किया है 82.77 करोड़ की संपत्ति अटैच। पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भी ईडी ने अटैच किया है। और फिलहाल हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज जी, आपसे इस मामले में ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, ये खबर कंफर्म हो चुकी है कि ईडी ने इस कार्रवाई की है। पल्स हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर भी, जो उसके पहले पुरानी उनकी प्रॉपर्टी है अभिषेक झा की, दोनों को अटैच करने की खबर आ रही है। और बाकायदा नोटिस चिपकाया है ईडी ने वहां पर। और अब ये चीज एक हफ्ते पहले से ही खबरों में आ रही थी कि ईडी कभी भी पल्स हॉस्पिटल को, यानी पूजा सिंघल की संपत्ति, जो सह संपत्ति है उनके पति के साथ उनकी, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अब ईडी के जांच में या ईडी की प्रोसीडिंग में ये बात प्रूफ हो चुकी है कि पल्स अस्पताल में भी पूजा सिंघल का निवेश है। और ये लगता है कि ये इसका पूरा सबूत ईडी ने इकट्ठा कर लिया है, अदालत में भी पेश कर दिया है जी। तभी इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है कि रांची का सबसे बड़ा जो निजी अस्पताल माना जाता था, खास करके कोरोना पीरियड में, बिल्कुल वो जो निजी अस्पताल है पल्स, उसके नाम कई उपलब्धियां रही और कई बार ऐसा कहा गया कि पल्स अस्पताल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ की सुविधाओं से आपकी जान बच सकती है। और जितने भी उस जमाने में हाई प्रोफाइल लोग थे, जिसमें मंत्री भी थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, अगर वो कोरोना ग्रस्त हुए तो इनका इलाज उसी पल्स अस्पताल में हुआ जी। और उसका जो सक्सेस रेट है वो भी ठीक ठाक ही कहा जाता है। बहरहाल, अब अगर ये खबर कंफर्म हो चुकी है तो ये बहुत एक बड़ी खबर है। और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने की जो उन्होंने कोशिश की पूजा सिंघल ने, हालांकि पैसे गलत थे अगर तो ये बात अलग है, लेकिन आज एक अस्पताल सील हुआ है। जाहिर है मरीजों को भी परेशानी होगी, मरीजों को भी बाहर निकलना पड़ा होगा, वहां से डिस्चार्ज होना पड़ा होगा। और ये जो पल्स अस्पताल है, पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर है, ये दो संपत्तियां जो नजर आती थी, जो विजिबल थी, टेंजेबल थी, वो अब संपत्ति उनकी के रूप में सील हो चुकी है। मेरे ख्याल से और भी कुछ ऐसी जो गुमनाम संपत्ति, बेनामी संपत्तियां होंगी, अब ईडी की नजर उस पर भी हो सकती है जी। जी शहनवाज जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।